अब देखो आ गया मैं। हेलो, आउट होके देखिए एक बार। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैन यू हियर मी गाइस? कैन यू हियर मी? डन? ओके, आई एम वेरी सॉरी, सेमिनार वॉज प्लान्ड ऑन द 12:30 बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज ये सेमिनार 1 बजे शुरू हुआ है। थैंक यू। यस यस, आ गया मैं। यश, एक बार सभी लोग जुड़ जाइए क्योंकि काफ़ी लोग वेटिंग में थे अभी तक। यस, काफ़ी लोग वेटिंग में थे तो एक बार आप लोग जुड़ने दीजिए सभी को। जस्ट वेट फॉर 2 to 3 मिनट्स। चले गाइज, आज का टॉपिक हमने प्लान किया था, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक, लर्न टू लर्न। आओ सीखें कि सीखते कैसे हैं। आज के टॉपिक का नाम था कि आओ सीखें सीखते कैसे हैं। तो एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से जो लोग जुड़ चुके हैं एक बार लिखिए, गुड आफ्टरनून लिख दीजिए चैट बॉक्स में, जितने लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ जल्दी से। जो लोग जुड़ चुके हैं और जिनको मेरी वॉइस ऑडियो वीडियो परफेक्टली समझ आ पा रही है तो वो लोग एक बार ज़रूर रिवर्ट करें ताकि हम सेशन को आगे बढ़ाएं। यस, आर क्वेश्चन वॉज दैट लर्न टू लर्न। हाँ यस, कुछ लोगों का मेरे पास रिवर्ट आ रहा है, बाकी शायद कुछ जुड़ ही नहीं पा रहे हमसे। 5 मिनट का वेट करते हैं हम, 5 मिनट तक, तब तक सभी जुड़ते हैं तब हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। यस तरुण, गुड आफ्टरनून। अभिषेक, जय श्री राम। जय श्री राम। राहुल, गुड आफ्टरनून राहुल। ऋतिक, हेलो ऋतिक। या स्पीड से जुड़ते रहिएगा ताकि ये सेशन शुरू करें। कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था जिसकी वजह से थोड़ा लेट शुरू हुआ और बेसिकली जो हमारा पहला लिंक था वो भी हमने डिलीट करना हुआ। तो आप लोग एक बार शेयर कर दें अपने ग्रुप्स वगैरह में, एक बार सभी शेयर भी कर दें अपने ग्रुप्स वगैरह में। ओके यश, यू आर ओसी स्टूडेंट। ओके यश, वॉइस प्रॉपर है? एक बार सुनिए एक बार। पांच मिनट और लगेंगे, लोग जुड़ रहे हैं, लिंक शेयर कर देते हैं उनको। ओके, वॉल्यूम कम है अब, ठीक है वॉल्यूम? अब एक बार बताइए, नाउ वॉल्यूम इज ओके? वॉल्यूम ओके है अब?
आई थिंक डिस्कशन शुरू करना चाहिए, काफ़ी लोग हमारे साथ आ चुके हैं राइट और डिस्कशन हम शुरू करें अब. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे इज लर्न टू लर्न. आओ सीखे कि सीखते कैसे हैं. इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सभी को बताना चाहता हूँ. हमने कई बार सुना है कि सीखना बंद तो जीतना बंद, बट हमें ये नहीं पता चलता कि सीखते कैसे हैं. लोग कहते हैं जिंदगी में जब जब आपने सीखना बंद कर दिया तो आपने जीतना भी बंद कर दिया. बट दोस्तों इस बात का आंसर कभी नहीं मिलता कि हम सीखते कैसे हैं. मैं एक मूवी देख रहा था थ्री इडियट्स. थ्री इडियट्स मूवी में एक बहुत अच्छे डायलॉग को इस्तेमाल किया गया है, सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो, एक दिन ना कामयाबी झक मार कर आपके पीछे लग जाएगी. बट कोई हमें ये नहीं बताता कि काबिल कैसे बनते हैं, हम एक अच्छे लर्नर कैसे बन सकते हैं, हम किसी भी चीज़ को कैसे सीख सकते हैं. आज मैं इस छोटे से सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा सीखते कैसे हैं, सीखने के लिए हमारे पास क्या 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 टूल्स अवेलेबल हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं. जी सर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक और मैं विश करता हूँ कि आप लोग जुड़े रहिएगा, इसे सुनते रहिएगा और डेफिनेटली आफ्टर वन आवर, आफ्टर हाफ एन आवर, बल्कि आपको 40 to 45 minutes में पता चल जाएगा इस टॉपिक का जो वजूद है, इस टॉपिक का जो वेट है. हमने काफ़ी बार सुना सीखना सीखना सीखना, क्वेश्चन आता है सीखते कैसे हैं. दो तरह की लर्निंग होती है दोस्तों लाइफ में. एक लर्निंग वो जो हमें पहले से पता है, जैसे आई एम वेल अवेयर दैट आई शुड गो फॉर द मॉर्निंग वॉक, आई एम वेल अवेयर आई शुड रीड द न्यूज़पेपर, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, मुझे वॉक पे जाना चाहिए. जो ये वाली लर्निंग है ये हमें पहले से पता होता है. आई थिंक आप काफ़ी सारे लोगों को ये पहले से पता होगा कि हमें वॉक पे जाना चाहिए, हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने एल्डर्स के लिए अच्छी सोच रखनी चाहिए. लेकिन कभी कभी हमें उस चीज़ से रिलेटेड भी कुछ नई बातें पता चलती हैं. जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि हमें वॉक पे जाना चाहिए, सर हमने जब जिस व्यक्ति से मिले उसने हमें बताया वॉक पर जाना चाहिए, यस ही वॉज फिजिकली और मेंटली फिट, उसे देखने से पता चल रहा था यस वो वॉक पे जा रहा है. लेकिन क्वेश्चन है वॉक पर जाने से और हम क्या कर सकते हैं. वॉक पर जाकर हम नए नए लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं. बहुत सारे लोग हमें नए मिलते हैं वॉक में, क्लास में, नई नई जगहों पर हमें नए नए लोग मिलते हैं. उनसे इंटरेक्ट करके हम कुछ नए आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं. सर जैसे कि अगर हम बात करें कि हमें अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हम करते भी हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, हम अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, बात करते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट का रोल क्या है लाइफ में. देखिए अभी शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, थोड़ा बोर भी लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे तो आपको इसका छोर पकड़ में आएगा एग्जैक्टली ये टॉपिक बताना क्या चाहता है. मैंने पहले भी बोला हमें सीखना है कि सीखते कैसे हैं, और सीखते कैसे हैं के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो हम पहले से बहुत अच्छे से जानते हैं. वी आर वेल अवेयर अबाउट दोज थिंग्स, बट हम उनकी इम्पॉर्टेंस नहीं समझते. जैसे मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप सभी को देता हूँ, अभी शायद आपको अब टॉपिक पकड़ में आएगा. आप में से कितने लोग कभी भी आज तक PVR में कोई भी मूवी देख के आए हैं. मैं एक मिनट का गैप ले रहा हूँ जब तक आप मुझे रिवॉल्ट करें. कितने लोगों ने आज तक PVR में कोई भी मूवी देखी है. यस जल्दी से रिवॉल्ट करें. कितने लोगों ने आज तक PVR में कोई भी मूवी देखी है. बहुत सारे लोग हैं इसमें जिन्होंने PVR में कोई ना कोई मूवी देखी है. वो PVR गए हैं, उन्होंने मूवी देखी है. बिना इंटरनेट का इस्तेमाल किए हुए क्या आप मुझे बता सकते हैं, कोई भी आप में से, बिना इंटरनेट का इस्तेमाल किए हुए कि PVR की फुल फॉर्म क्या है, क्या फुल फॉर्म है बिना इंटरनेट का इस्तेमाल किए हुए. अगर आप में से कोई बता भी पाता है सर PVR की फुल फॉर्म प्रिया विलेज रोड शो है, क्या है, प्रिया विलेज रोड शो. अगर आप में से कोई बता भी देता सर मुझे पता है कि इसकी फुल फॉर्म प्रिया विलेज रोड शो है, तो मैं पूछना चाहता हूँ जिनको पता भी है उन्होंने इसका क्या इस्तेमाल कर लिया, इस नॉलेज से क्या कर लिया. जिनको नहीं पता और जिनको पता है आप दोनों इक्वली तो हैं. जिनको नहीं भी पता वो भी बिल्कुल आपके साथ ही बैठे हुए हैं, और जिनको पता है उन्होंने इसका क्या यूटिलाइजेशन किया, क्या इम्प्लीमेंटेशन किया इस नॉलेज का. क्या आपने कभी PVR पर सर्च की कि इसके बारे में क्या नॉलेज ली जा सकती है.
एक्चुअली वी आर मोर अवेयर अबाउट द थिंग्स, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में अवेयर है, हमें ये करना चाहिए, बट वी डोंट नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट थिंग। उनकी इम्पॉर्टेंस नहीं पता होती हमें कि उनकी इम्पॉर्टेंस क्या है, उन चीज़ों को हम कैसे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या PVR पर कभी कोई केस स्टडी पढ़ी आपने? क्या देखा आपने PVR के जो ऑनर हैं, जो शेयर होल्डर हैं, उन्होंने कैसे बिजनेस स्टार्ट किया? क्या आपको पता है PVR कंपनी कैसे ग्रोथ कर रही थी, किस तरीके से आगे बढ़ी? चलिए, कोरोना काल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई सिनेमा इंडस्ट्री को, लेकिन किस तरीके से वो ग्रोथ कर रही थी, हमने सिर्फ सुना और सुनकर उसे ख़त्म कर दिया। मेरा दोस्तों मानना है काफ़ी सारी नॉलेज लाइफ में ऐसी होती है जो हमें पता है, जिसके बारे में हम जानते हैं। मैं कई बार अपनी क्लासेस में, अपने ऑफिसेज में स्टूडेंट से कुछ बातें पूछता हूँ और वो कहते हैं यस सर, हमें पहले से ही पता था, पहले से उन्हें उसके बारे में पता था। वो कहते हैं यस हम जानते थे। आपने भी काफ़ी बार नोटिस किया होगा, आप काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पहले से जानते थे, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने उसको इस्तेमाल क्या किया, आपने यूटिलाइज़ क्या किया उसका, उस नॉलेज का कब उपयोग किया आपने और क्या उपयोग किया? सर अगर आपको कोई चीज़ पता भी थी तो आपने उसका यूटिलाइजेशन करके, उससे क्या इस्तेमाल करके क्या किया, ग्रोथ की, कोई लर्निंग की, कोई अर्निंग की, कुछ इस्तेमाल किया आपने उसका? सर यस। लर्निंग नंबर टू, कई बार कुछ चीज़ें लाइफ में हमें पता ही नहीं होती, जैसे इस महफिल में मेरे साथ काफ़ी सारे CA स्टूडेंट्स भी अगर जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें पहले से पता ही नहीं होती। सर इस्तेमाल तो हम तभी करते अगर हम उसके बारे में जानते। जैसे अभी मैंने बताया ना, दो तरह के लोग थे, जिन्हें PVR की फुल फॉर्म नहीं पता थी वो भी इसमें बैठे हुए थे, जिन्हें PVR की फुल फॉर्म पता है वो भी बैठे हुए थे, बट दोनों इक्वल हैं। बस फर्क इतना है दोनों की लर्निंग में कि एक को आज पता चली फुल फॉर्म और एक को पहले से नहीं पता थी। तो जिसको आज पता चली और दूसरा, एक को पहले से पता थी बट उसने उसका इस्तेमाल नहीं सीखा अभी तक। सर उसका क्या यूज़ कर सकते हैं हम? आज आप सर्च करिएगा। कहते हैं जब जब आपके माइंड में आइडिया आता है किसी भी चीज़ को लेकर, ऑटोमेटिकली आप उस आइडिया से बहुत ग्रोथ कर सकते हैं, बहुत डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने अंदर। जब किसी भी चीज़ का आइडिया आपको आता है, खाली किसी चीज़ को जानना भी अपने आप में किसी चीज़ को करने के इक्वल होता है, अगर आपको उसके बारे में पता चल चुका है। लेकिन पता चलने के बाद आप कितने एक्शंस लेते हैं उन चीज़ों को करने के लिए, ये इस पर डिपेंड करता है। लर्निंग नंबर टू, सर हमें कोई चीज़ पहले से पता ही नहीं थी, हमें पता ही नहीं था ऐसा भी कुछ होता है। जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का एक सेंटर है COE, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। मैंने आज आपको हिंट दिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, अब आप सर्च करिएगा इसे, नेट पर सर्च करिएगा कि ये क्या है, ये कैसे काम कराता है, इसके अंदर क्या होता है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ ICI क्या काम करता है, बिकॉज वी आर स्टेक होल्डर ऑफ द ICI, लेकिन वी नेवर एवर न्यू अबाउट इट, वी नेवर एवर ट्राई टू एक्सप्लोर अबाउट इट। मीन्स सर दो चीज़ें, नंबर वन, मैंने लर्निंग को पहले दो हिस्सों में बांटा है। लर्निंग नंबर वन, कुछ चीज़ें हम पहले से जानते हैं बट उनकी इंपॉर्टेंस नहीं जानते, उनकी कदर करना नहीं जानते। आप सब जानते हैं हमें मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आप सब जानते हैं कि हमें उनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, बट क्वेश्चन है कि आप में से कितने लोग उसकी इंपॉर्टेंस भी समझ रहे हैं, किसी को तजुर्बा पता है उसका कि उस ब्लेसिंग का कितना बड़ा रोल है आपकी लाइफ में, या आपने उस ब्लेसिंग की वजह से क्या किया है अपनी ज़िंदगी में। सर दैट इज़ द टू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट थिंग, हम अर्लियर नोन थे, अर्लियर अवेयर थे। एंड दूसरी लर्निंग, लर्निंग नंबर टू, सर कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में जिन्हें हमने फर्स्ट टाइम ही जाना, जिनके बारे में हमें फर्स्ट टाइम पता चला। अब क्वेश्चन आता है सर, चाहे चीज़ें फर्स्ट टाइम पता चली, चाहे हम उन्हें द्वारा में जाने, दूसरी बारी में जाने, मतलब हम पहले से जानते थे बट हमने उन्हें द्वारा में उनकी इम्पॉर्टेंस समझी, क्वेश्चन आता है सर दोनों ही केसेस में अगर उनके बारे में बात करें तो दोनों ही केसेस में इस लर्निंग को किया कैसे जा सकता है, हम किसी चीज़ की इम्पॉर्टेंस कैसे जाने या किसी चीज़ के बारे में नया कैसे जाने। एक्चुअली यू हैव मैनी सोर्सेज, मैनी रिसोर्सेज, लाइक न्यूज़पेपर, आप कई बार देखते हैं न्यूज़पेपर से नॉलेज लीजिए आप, ये सब सोर्सेज आप सुनते आ रहे हैं, सब बहुत टाइम से सुना है आपने। आज मैं आपको कुछ नया बताऊंगा कि आप किस तरीके से भी अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वेन एवर यू आर वॉकिंग इन दिस वर्ल्ड, जब भी आप इस वर्ल्ड में वॉक एंड टॉक कर रहे हैं, आप कहीं भी घूम रहे हैं इस वर्ल्ड में, कहीं भी, आप किसी भी शहर से सही, किसी भी जगह से सही, आप जब भी कहीं पर घूमते हैं, कहीं पर भी,
तो यकीन मानिए आपकी बॉडी में, आपके माइंड में एक बहुत अच्छा स्विच है, एक सिस्टम है जिसका आप इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ को इजीली लर्न कर सकते हैं। और लर्निंग का मीनिंग मैं फिर पूछना चाहूँगा कि आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे, लर्निंग के दो मीनिंग बताए थे मैंने आपको, एक टू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्लियर नॉन थिंग्स और दूसरा टू नो द न्यू थिंग्स, टू एक्सप्लोर द न्यू थिंग्स। एक था कि किसी पुरानी चीज़ की इम्पॉर्टेंस जानना और दूसरा था कि किसी नई चीज़ के बारे में जानना। सर दोनों को कैसे कर सकते हैं? मैं एक सिस्टम का उपयोग करना सिखाऊंगा। मैं अभी आपसे कुछ बात करता हूँ, अगर मैं कुछ भी बात करता हूँ तो हमारे पास अगर उस सिस्टम का हम इस्तेमाल करते हैं तो हम नॉन इंटरेस्टिंग चीज़ों को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और सुन सकते हैं। जैसे कि अब मैं एक नॉन इंटरेस्टिंग चीज़ बोलूँगा बट फिर भी आप लिंक करेंगे, फिर भी आप उसे सुन पाएंगे, फिर भी आप उसे समझ पाएंगे, फिर भी आप देखेंगे कि इसे सुनना चाहिए, समझना चाहिए। सर वो नॉन इंटरेस्टिंग थिंग, जैसे कि मैं कोई भी एक सेंटेंस बोलता हूँ, सेंटेंस है आपने ध्यान से सुनना है, आई विल आस्क यू कि आपने सेंटेंस पूरा सुना है नहीं सुना, राइट? मैं अपने से किसी से भी पूछूंगा, ये सोचकर आपने आपने अपने माइंड में रिपीट करना है वो सेंटेंस जब मैं आपसे पूछूंगा। सेंटेंस है सिस्टर सूजी सुइंग द शर्ट्स फॉर सोल्जर्स। मैंने सेंटेंस क्या बोला, कोई बता सकता है, कोई लिख सकता है मैंने सेंटेंस क्या उपयोग किया है? सिस्टर सूजी सुइंग द शर्ट्स फॉर सोल्जर्स। क्या आप में से कोई बता सकता है क्या सेंटेंस है? सर हमें सबको पता है, हमने रिपीट भी कर लिया माइंड में कि सिस्टर सूजी स्विंग द शर्ट्स फॉर सोल्जर्स। यू नो आपने मुझे सुना क्यों, हालांकि इस लाइन में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप इस लाइन को सुनना भी नहीं चाहते थे और फिर भी आपने क्यों सुना? क्योंकि आप इसलिए सुन रहे थे क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपसे पूछूंगा। जैसे ही मैंने आपसे बोला कि मैं आपसे पूछूंगा तो आपके माइंड में एक स्विच ने काम करना शुरू किया, एक सिस्टम ने काम करना शुरू किया कि मुझे सर को सुनना है इसलिए कि सर थोड़ी देर बाद मुझसे इस बात को पूछेंगे। जैसे ही मैंने आपसे इस बात को बोला और मैं कहता हूँ आपसे मैं पूछूंगा तो आप बता देंगे, क्योंकि आप मुझे इसलिए नहीं सुन रहे थे क्योंकि सुनना चाहते थे, आप मुझे इसलिए सुन रहे थे क्योंकि आप मुझे आंसर बताना चाहते थे। और जब जब आप किसी चीज़ का आंसर बताना चाहते हैं, किसी चीज़ को आंसर करना चाहते हैं, तो उस केस में आपके सिस्टम को अपग्रेडेशन मिलती है, लर्निंग सिस्टम आपका हाईली लेवल पे काम करना शुरू कर देता है। एज वेन एवर यू आर लिसनिंग मी, जब आप मुझे सुन रहे थे तो आप तैयार बैठे हुए थे, सर जो पूछेंगे हम उसे बताएंगे, तो आप क्यों सुन रहे थे? क्योंकि आप मुझे बताना चाहते थे। मीन्स लिसन टू स्पीक, जिंदगी में लर्निंग का एक पहला फंडा है लिसन टू स्पीक। किसी व्यक्ति को सुन रहे हो तो इसलिए सुनिए कि उस व्यक्ति की बातों पे आप बाद में कुछ बोलना चाहें तो बोल सकें। जैसे मेरे अभी तक के वेबिनार में, अभी तक की टॉक में मैंने आपसे तकरीबन 10-15 मिनट बात करी, 15 मिनट बात करी। इस 15 मिनट में अगर आपसे कोई पूछने लगे भाई हमें पता वेबिनार के बारे में उन्होंने क्या सिखाया, तो जितना कम शब्दों में आप बता सकें, अब आप कहें मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, मैं नहीं बता सकता, तो इसका मतलब है आपने अपने टाइम का गलत प्रयोग किया है। यहाँ पर मीन्स सुनो ऐसे कि आप उसके बारे में कुछ तो बोल सके, कोई ऑब्जर्वेशन तो बना सके, कुछ तो आप बोल सके। मीन्स लिसन टू स्पीक, लिसन टू स्पीक इज इक्वल टू एक्टिव लिसनिंग एंड एक्टिव लिसनिंग इज इक्वल टू लर्निंग नंबर वन। अगर हमारे माइंड में एक्टिव लिसनिंग नाम का टूल काम करना शुरू कर दे तो ऑटोमेटिकली हम अपनी लर्निंग को एक अच्छे लेवल पर अपग्रेड कर सकते हैं। मींस लर्निंग, चाहे हम पुरानी चीज़ों की इंपॉर्टेंस जानना चाहें, चाहे हम नई चीज़ों को जानना चाहें, दोनों के केस में वी शुड एक्टिवली लिसन टू अदर्स। मींस सर एक्टिवली लिसन भी कैसे करते हैं, मैंने आपको बता दिया, बड़ा छोटा सा टूल, लिसन टू स्पीक, सुनो ऐसे कि आप बोल सकें। किसी को भी सुनते वक्त ध्यान रखें कि आपने बोलना भी आना चाहिए उसके मैटर पे। अगर आप कोई 2 घंटे की क्लास अटेंड कर रहे हैं किसी भी टीचर की, आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे की क्लास के बाद अगर आप 10 मिनट में उस क्लास को समराइज कर सकते हैं, इट मींस आपने बहुत अच्छे से सुना है। लिसन टू स्पीक। अगर आप कोई मूवी देखने जा रहे हैं और 3 घंटे की मूवी आपने देखी है और उसके बाद आप 15 मिनट में मूवी की स्टोरी किसी को बता सकते हैं, इट मींस आपने अच्छे से सुना है। Means, my dear student, listen to speak, सुनो ऐसे कि सुना सके। किसी को भी सुनते वक्त ध्यान रखो कि आप उस पर अपना ओपिनियन जता सके, उस पर कोई परसेप्शन बना सके। जब आप किसी चीज पर कोई परसेप्शन बना पा रहे हैं, 1 मिनट,
जब आप किसी भी चीज पर कोई परसेप्शन बना पा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली, कोई ऑब्जर्वेशन बना पा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे से सुन रहे थे। आपके घर में, आपके आसपास बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। जैसे अगर आप जॉब करते हैं तो अपने घर से लेकर जब आप ऑफिस तक आते हैं तो काफ़ी सारे स्कूटर, बाइक्स, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर वॉक कर रहे होते हैं। आपने देखा हो, अलग अलग लोग होते हैं, कोई बाइक से जा रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। बट हम कभी किसी भी एक्टिविटी को नहीं देखते, ना हमें देखना चाहिए बहुत ज़्यादा किसी एक्टिविटी में घुस कर। लेकिन आप कभी नोटिस करना, ऐसे आप किसी ऑटो को इस तरीके से देखना कि आज इस ऑटो का नंबर, इस ऑटो का रजिस्ट्रेशन नंबर, इस ऑटो का नंबर आज मुझे अपने ऑफिस में अपने बॉस को बताना है। जब आप उस ऑटो को ऐसे करके देखेंगे कि इसका नंबर मुझे बताना है, इस ऑटो के बारे में कुछ बताना है ऑफिस में, तो ऑटोमेटिकली आपका लर्निंग नंबर 2.2 टूल काम करना शुरू कर देगा। मींस आपकी आंखें किसी चीज को इसलिए देख रही हैं ताकि आप किसी को उसको बाद में बता सके, दिखा सके। जैसे आपके घर में, आपके आसपास काफ़ी सारे इक्विपमेंट, जैसे एसी, एसी कौन से ब्रांड का है आपके घर में, कई बार हमें इतना तक नहीं पता होता। हम किसी ऑफिस में गए, हमें नहीं पता होता वहाँ पर ऑफिस में एसी कौन सा लगा हुआ है। अगर हम उसे ऐसे देखें कि किसी दिन किसी ने पूछ लिया कि हम उसे बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा लर्निंग नंबर टू, टूल नंबर टू काम करना शुरू कर देता है। मतलब एक्टिव वॉच, देखो ऐसे कि किसी को बता सकें, देखो ऐसे कि बाद में भी किसी को उसके बारे में हम समझा सकें कि मैंने ये चीज़ वहाँ पर देखी है। तो तीसरी चीज़, तीसरा इम्पॉर्टेंट बात, पहली बात हमने क्या बोली, सुनो ऐसे सुना सके, दूसरा था देखो ऐसे बता सके, एंड तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि हम किसी भी चीज़ को, मैंने कहा सुनो ऐसे सुना सकें, देखो ऐसे बता सकें। तीसरा, आप बता सकते हैं कुछ और हमारी सेंस में काम करें, मीन्स हमने सुना ऐसे किसी को बोल सके, हमने देखा ऐसे कि बता सके। तीसरा, हम बहुत सारी चीज़ें रीड करते हैं, किताबों में रीड करते हैं। आपको बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं, सर हमें याद ही नहीं होता, हम कोई चीज़ लर्न करते हैं हमें रिटेन ही नहीं रह पाती। मीन्स किसी भी चीज़ को अगर आप लर्न कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को रीड कर रहे हैं, तो रीड करते वक्त अपना ऑब्जेक्ट बनाइए कि आप थोड़ी देर बाद उसके बारे में बोल सकें। मीन्स जैसे आपने बुक का कोई एक पेज पढ़ा है, तो उस पेज को आपको ये ताकत होनी चाहिए कि आप उसके बारे में लिख सकें। मीन्स पढ़ो ऐसे कि आप फिर उसके बारे में लिख सकें। मीन्स रीड टू टीच, किसी को पढ़ा सकें, पढ़ो ऐसे पढ़ा सकें। मीन्स किसी भी चीज़ को आप रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो इस तरीके से पढ़िए कि आप उसके बारे में किसी को कुछ बोल सके, किसी को कुछ समझा सके। तो दैट्स कॉल्ड रीड टू स्टडी, स्टडी टू टीच, मतलब स्टडी टू टीच, और स्टडी टू टीच का मतलब है पढ़ो ऐसे कि किसी को उसके बारे में आप बाद में समझा सके, उस चीज़ों के बारे में बोल सके। सर चौथा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिंदगी ऐसे जिए कि दूसरों को जीना सिखा सके। अपनी लाइफ के कुछ एग्जाम्पल सेट करें आप, कि अगर आप जैसा जी रहे हैं, और लोग आपको कई बार बोलते भी हैं, सर मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, सर मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, कई बार आप लोग बोलते भी हैं, तो इन चीज़ों में आप ध्यान रखें कि कभी भी जिंदगी जिए ऐसे कि दूसरों को जीना सिखा सके। मीन्स चार लेसन हमने ऑब्जर्वेशन के समझे अभी। नंबर वन क्या, कि सुनो ऐसे सुना सके, पढ़ो ऐसे पढ़ा सके, देखो ऐसे बता सके, एंड साथ में लास्ट में जियो ऐसे कि दूसरों को जीना सिखा सके। सर दैट्स कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, ये है ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन होती है लर्निंग का एक बहुत बड़ा टूल। तो ध्यान रखें, अब आपका कोई डाउट होता है, किसी का कोई डाउट है इस पर कि सर मुझे पूछना है, तो आप पूछिए, एक बार चैट बॉक्स में लिखिए अगर किसी का कोई डाउट है तो, प्लीज़ किसी का कोई भी डाउट हो इस पर कि अगर कुछ पूछना हो आपको। यस, जल्दी से, एक्चुअली आज हमें थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था जो लाइव हम टाइम पे नहीं हो पाए, तो हमने जो पुराना लिंक भेजा हुआ था बच्चों को वो हमने डिलीट कर दिया और नए लिंक से हमने क्लास की है, तो इसलिए क्लास में जुड़े नहीं बच्चे ज़्यादा, राइट। तो पुराना वाला लिंक आपने देखा होगा, वो हटा दिया था हमने क्योंकि वो लिंक हो ही नहीं पा रहा था, कोई टेक्निकल इशू आ रहा था, तो हमने अब नए लिंक से क्लास की है, तो इसलिए लोग ज़्यादा जुड़ नहीं पाए। ओके, यस यश, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। यश पूछिए,
बताइए यश, क्या पूछना चाहते हैं आप? वॉइस इसका लैग कर रहा होगा थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, ऑन द स्पॉट रियल टाइम चल रहा है। ओके ओके, यश ने एक डाउट पूछा है। सर आपने हमें बताया कि जिंदगी में मांगने से पहले किसी को कुछ देना सीखो। आई ऑलवेज ट्राई टू टीच बिफोर टू टेक, मतलब आपने हमेशा ट्राई किया ऐसा, बट डिसअपॉइंटिंग होता है मैनी अ टाइम। ओके, काफ़ी टाइम यश बोल रहे हैं कि बड़ा अजीब लगता है, मैं कर देता हूँ किसी के लिए बट मेरे लिए नहीं हो पाता। मैं लोगों को बताता हूँ, समझाता हूँ बट मुझे उससे रिलेटेड कुछ नहीं मिलता। वो रिस्पेक्ट नहीं करते, वो उस इवेंट को डिक्रीज कर देते हैं कॉन्फिडेंस। अच्छा देखिए, अगर आप अभी देख पा रहे हैं यश, मेरे साथ काफ़ी कम लोग जुड़ पाए आज, अब ड्यू टू टेक्निकल इशू या किसी भी वजह से। बट ऐसा थोड़ी ना हमें अपना काम नहीं करना। माना दुनिया बुरी है, दुनिया में सब जगह धोखा है, पर आप अपना काम अच्छे से करते रहिए, आपको किसने रोका है? आप अपना काम अच्छे से कर दीजिए। आप ये एक्सपेक्ट ऑप्टिमिस्टिक बने, आप ऑप्टिमिस्टिक बने कभी भी एक्सपेक्ट ना करें। मैंने उस वक्त भी बताया होगा, जिस दिन आपने मुझसे पढ़ा होगा ये टॉपिक, मैंने बताया होगा आप ऑप्टिमिस्टिक बने ना कि कहीं पर भी आप एक्सपेक्ट करें। सर एक्सपेक्ट और ऑप्टिमिस्टिक में क्या फर्क होता है? एक्सपेक्टेशन हमेशा बाउंड्रीज में होती हैं, एक्सपेक्टेशन बाध्य करती है मुझे यही चाहिए, और ऑप्टिमिस्टिक जस्ट खुला हुआ ओपन माइंडेड व्यक्ति होता है कि यस आई विल डू समथिंग देन आई विल गेट समथिंग। और यकीन मानिए यश, जो आपका है ना वो आपको मिलेगा जरूर, आज नहीं तो कल मिलेगा, बट मिलेगा जरूर जो आपका है। तो इसलिए आप अपना काम करते रहिए, आप ये सोचकर ना करिए कि मुझे क्या मिलेगा। कई भी बार सर डिसरिस्पेक्ट करते हैं लोग, ऐसा चलता रहेगा लाइफ में। यस कोई और किसी का कोई और डाउट? एक्चुअली हमें सेशन जल्दी ओवर करना होगा, हमने छोटी छोटी कुछ चीज़ें बताई हैं आपको, बट फिर भी कोई डाउट होता है तो एक बार हम एक्सप्लेन करेंगे इन चीज़ों को। यस किसी का कोई डाउट और? ओके मैं एक अगेन रिपीट कर देता हूँ, मैंने अभी तक क्या बोला। मैंने बताया आपको लर्निंग, अगर हम समराइज करें तो हमने पढ़ा कि लर्निंग दो तरह की होती है। लर्निंग नंबर वन कि टू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्लियर नोन थिंग्स, एंड लर्निंग नंबर टू टू एक्सप्लोर द न्यू थिंग्स, जिंदगी में नई चीज़ों को जानना, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना। और लर्निंग नंबर वन थी पुरानी चीज़ों की इम्पॉर्टेंस करना। अगर आप पुरानी चीज़ों की इम्पॉर्टेंस नहीं कर रहे हैं तो नई चीज़ों को समझना बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। यस पैरेलली आपके साथ नई चीज़ें भी चलती रहनी चाहिए, नई चीज़ों को आप एक्सप्लोर करते रहें, बट जो पुरानी चीज़ें हैं उनकी इम्पॉर्टेंस करते रहें। उसके बाद हमने कहा सर ये सब कुछ होगा कैसे, हम लर्निंग अच्छी कर कैसे सकते हैं? मैंने आपको बताया आपके पास चार चार टूल हैं आपकी बॉडी में, अगर आप इनका इस्तेमाल करें। सर वो चार टूल क्या हैं हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में है वो चारों टूल? कोई लिखे चैट बॉक्स में लिखे, लिसन टू स्पीक। पहला टूल है आज के बाद सुनना शुरू कर दीजिए ताकि आप सुना सकें। अगर आप कोई गाना भी सुनते हैं, आप कोई भी गाना भी सुन रहे हैं, कोई गाना कहीं पर सुन रहे हैं, आप याद करिए कोई भी सॉन्ग आज तक आपने बचपन में कभी सुना, और इसलिए सुना बस सुनना था, तो आपको वो कभी लर्न कभी याद नहीं हुआ। लेकिन आपने कभी स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, या कभी कोई गाना किसी को बोला, किसी के सामने बोला, तो आपने यकीन मानिए वो गाना हमेशा आपको याद भी हो गया है, जितना तक आपने बोला है। मीन्स जब जब आप सुन रहे थे सुनाने के लिए, तब तब आपको हर वो चीज़ याद रही है। मीन्स जब हम सुनते हैं सुनाने के लिए तो ऑटोमेटिकली हमारी ताकत बढ़ जाती है। वेरी गुड, लिसन टू स्पीक। दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने आपको आज इस सेशन में, लिसन टू स्पीक के अलावा दूसरा पॉइंट क्या बताया आपको? जल्दी से कोई भी बताइए। दूसरा बताया मैंने आपको कि एक्टिव वॉच, मीन्स देखो ऐसे कि किसी को बता सके, देखो ऐसे कि हम किसी को बता सके। मीन्स वॉच टू एक्सप्लेन, यस हम वॉच ऐसे करें कि एक्सप्लेन कर सके किसी चीज के बारे में। एंड तीसरा था स्टडी टू टीच, पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सके। जितने भी लोग स्टूडेंट और जिनको प्रॉब्लम आती है पढ़ने में, वो आज के बाद चीज़ों को कुछ ऐसे पढ़े कि वो थोड़े दिन बाद उनका लेक्चर है और उन्हें लेक्चर डिलीवर करना है, वो उस पर पढ़ा सके। एंड चौथा पॉइंट था हमारा जियो ऐसे कि दूसरों को जीना सिखा सके। लिव टू इंस्पायर अदर्स मीन्स इंस्पायर टू एस्पायर। जियो ऐसे कि दूसरों को जीना सिखा सके। जिंदगी में इस पर्पस से जिए आप
अपना उद्देश्य बना लें जीवन का, अपनी लाइफ का, कि हम दूसरों को भी जीना सिखाएंगे, हम दूसरों को भी इसके बारे में जीना सिखाएंगे, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें अपना काम करना अच्छा शुरू करेंगे. मीन्स लिसन टू स्पीक, स्टडी टू टीच एंड वॉच टू एक्सप्लेन एंड लिव टू इंस्पायर अदर्स. इन चारों को एक बॉक्स के अंदर अगर हम बंद कर दें तो कोई इनका एक इंडिविजुअल नेम देगा, इनको एक टाइटल देगा. इन चारों को अगर हम एक बॉक्स के अंदर बंद कर दें, मतलब हमें आज के बाद देखना नहीं चाहिए किसी चीज़ को, बल्कि क्या करना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स. आज के बाद हमें सुनना नहीं चाहिए किसी चीज़ को, बल्कि क्या करना चाहिए. आज के बाद हमें पढ़ना नहीं चाहिए किताबों को, बल्कि क्या करना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स. आज के बाद हमें ज़िंदगी को जीना नहीं है, बल्कि लाइफ को क्या करना है. ऑटोमेटिकली लाइफ की ग्रेडिंग, लाइफ अपग्रेड हो जाएगी बहुत. कोई बताएगा एक वर्ड, चारों फिल इन द ब्लैंक्स में एक ही आएगा. आज के बाद हमें लोगों को सुनना नहीं है, बल्कि क्या करना है. आज के बाद हमें किताबों को पढ़ना नहीं है, बल्कि किताबों का क्या करना है. आज के बाद हमें किसी भी चीज़ को वॉच नहीं करना, बल्कि क्या करना है. एंड चौथा, हमें ज़िंदगी को जीना नहीं है, बल्कि क्या करना है. एक बच्चे ने लिखा स्पीक, रॉन्ग आंसर. कोई और बताइए क्या करना है. यस, कोई ऑब्जर्व, वेरी गुड यश, ग्रेट आंसर, राइट आंसर, अंडरस्टैंड. भव्य भवी ने भी बहुत अच्छे से आंसर दिया. अंडरस्टैंड करना है, हमें सुनना नहीं है उन्हें, उन्हें समझना है. हमें पढ़ना नहीं है, समझ रहे, हमें किताबों को समझना है, मतलब ऑब्जर्व करना है. ऑब्जर्वेशन में एक पर्पज और घुसा हुआ होता है, ऑब्जर्वेशन में एक दूसरा उद्देश्य और जुड़ा हुआ होता है चीज़ों के साथ. आज के बाद ना, आज अपने ऑफिस में, घर में, आज के बाद ना मेरा ये टूल यूज़ करना शुरू करें आप, और आप देखें, देन यू विल मैसेज मी कि सर हमारा ना काम कर रहा है, लर्निंग टूल ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर रहा है. आपकी लर्निंग करने की कैपेसिटी चीज़ों को बढ़ जाएगी, बस बशर्ते कि आप ऑब्जर्व करना शुरू कर दें. और ऑब्जर्व, लोग बोलते तो हैं ऑब्जर्व करो ऑब्जर्व करो, मैंने तो आपको ये भी बताया कि ऑब्जर्व करते कैसे हैं. ऑब्जर्व करने के लिए लिसन टू स्पीक, स्टडी टू टीच एंड लिव टू इंस्पायर, मतलब लोगों को इंस्पायर करो, जियो ऐसे, और लास्ट में हमने पढ़ा वॉच टू एक्सप्लेन, चीज़ों को ऐसे करें. अब क्वेश्चन आता है आगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सर ये तो समझ आ गया ऑब्जर्व करना, अभी लर्निंग कंप्लीट नहीं हुई है. सर आपसे ये तो मुझे समझ आ गया कि हमें लर्निंग करनी है, राइट, हमें लर्निंग करनी है. बहुत छोटा सा सेशन रह गया हमारा, तो इसको प्लीज़ ध्यान से पूरा समझिएगा. सर ये समझ आ गया, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ सारा फास्टली. हमने पढ़ा आज सुबह से अभी से कि लर्निंग दो तरह की होती है, एक टू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्लियर नोन थिंग्स, टू नो द एक्सप्लोर द न्यू थिंग्स. उसके बाद हमने पढ़ा सर लर्निंग करते कैसे, एक्टिवली लर्निंग होगी कैसे. लर्निंग करने के लिए मैंने चार टूल बताए आपको, नंबर वन स्टडी टू टीच, नंबर टू लिसन टू स्पीक, नंबर थ्री वॉच टू एक्सप्लेन, नंबर फोर लिव टू इंस्पायर अदर्स, जियो ऐसे, दूसरों को जीना सिखा सके. सर जब ये सब कर लिया, क्वेश्चन आता है अब, सर लर्निंग हो गई, लर्निंग का इस्तेमाल आपने बताया, इस्तेमाल भी तो करना आना चाहिए. हम ठीक है ये जान लेंगे कि जो ये पंखा है ये ओरिएंट का है, फिर हम ओरिएंट पे सर्च भी कर लेंगे. सर ये ठीक है, हम इतना कर लेंगे. उसके बाद सर ऐसा क्या करना है जिससे इस लर्निंग को हम इस्तेमाल भी कर सकें अपने जीवन में. अब जैसे आप में से काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारे प्रोजेक्टर्स देखे होंगे लाइफ में, काफ़ी सारे फ़ोन देखे होंगे. अब मैं आपसे कहूँ प्रोजेक्टर्स की एक दो कंपनीज के नाम बताएं मुझे, तो आप बता देंगे सर एप्सन का होता है, एक दो ने बता दिया सर बैनक्यू का प्रोजेक्टर होता है, बट आपको इतना पता है, इसके बाद इसका इस्तेमाल क्या किया आपने, इसका यूज क्या किया. ठीक है आपको पता है कि प्रोजेक्टर इस कंपनी का होता है, तो सो व्हाट, अब क्या करें हम आगे. ठीक है सर पता है, आगे क्या करें, मतलब क्या यूज क्या हुआ इसका, जो क्वेश्चन मेरा पहले भी फंसा था. पहले यहां तक सबको क्लियर, एक बार बताइए चैट बॉक्स में, यहां तक सबको क्लियर हुआ कि क्वेश्चन था कि सब ठीक है यहां तक क्लियर है कि चीजें कि ये तो पता चल जाता है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करें. हमें पीवीआर की फुल फॉर्म पता चली तो इससे क्या ग्रोथ कर सकते हैं हम अपने अंदर, क्या कर सकते हैं, इससे क्या जान सकते हैं फर्दर. हमें ओरिएंट के पंखे के बारे में पता चला, हमें इस फला कंपनी के बारे में पता चला, आगे हम उसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं. कोई सबको क्लियर यहां तक पहले, आगे बढ़ते हैं सर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसका. यस, इसका इस्तेमाल देखिए बहुत ध्यान से सुनिए. मैंने आपको बोला आप ऑब्जर्व करें, देखें ऐसे, बता सके, सुने ऐसे, सुना सके, पढ़े ऐसे, पढ़ा सके. अब आप काफी सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं अपनी लाइफ में,
बट इस्तेमाल तो एक दो को ही करते हैं आप। आपने देखा होगा, आप सबने टारगेट किया हुआ है, सर मैं टैक्स में जाऊंगा, मैं अकाउंट में जाऊंगा, आप ऐसे टारगेट करके रखते हैं अपने आप को। आपने सब्जेक्ट पढ़े काफी सारे, बट आप कहते हैं मैं इस सब्जेक्ट में आगे प्रैक्टिस करूंगा, मैं ना AS में करूंगा, मैं टैक्स में करूंगा, मैं अकाउंट में करूंगा, मैं इस चीज पर वर्क करूंगा। आप फिक्स होते हैं, बहुत ज्यादा फिक्स होते हैं अपने माइंड को लेकर कि ठीक है मैं इस चीज पे वर्क करूंगा, इस चीज पे काम करूंगा। अब क्वेश्चन आता है, आपने पढ़ी 7-8 चीज, बट आप एक को स्पेशलाइज करते हैं और आपको ऐसा प्रोवोक भी किया जाता है, ऐसा समझाया भी जाता है, बेटा डू स्पेशलाइजेशन इन वन थिंग। आपने 8 चीजें पढ़ी और लास्ट में आपको बताया जाता है किसी एक चीज पर स्पेशलाइजेशन कर लो ताकि आप ग्रो कर सके, और आप अपनी 7 चीजों को, पढ़ी हुई चीजों को छोड़ देते हैं एक टाइम के बाद और किसी एक पर्टिकुलर चीज में लग जाते हैं, एक पर्टिकुलर चीज में काम करना शुरू कर देते हैं। सर आप बताना चाह रहे हैं टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली अननोन थिंग्स, यस, उनकी इंपॉर्टेंस ही नहीं की ना आपने। आपने टैक्स पढ़ा और आप अकाउंट्स में चले गए या आप ऑडिट में चले गए, तो आप टैक्स की इंपॉर्टेंस ही नहीं कर पा रहे ना, टैक्स को लिंक ही नहीं कर पा रहे अपने जीवन में। आप उन चीजों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ आए और आप किसी एक पर्टिकुलर चीज पे लग गए और काम करना शुरू कर दिया आपने। अब क्वेश्चन है, सर ऐसा क्या करें हम जिससे हमारे माइंड में वो डाइवर्सिफिकेशन रहे ताकि इंपॉर्टेंस समझ आती रहे हमें अर्लियर नॉन थिंग्स की, जो पुरानी चीजें हैं उनकी हमारे अंदर कुछ इंपॉर्टेंस समझ आए। आज के बाद जब आप किसी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये ना फोकस करें व्हाट्स गोइंग ऑन, फोकस करें हाउ इट इज गोइंग ऑन, व्हाई इट इज गोइंग ऑन। मैंने क्या बोला, जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, जिस भी फॉर्म में काम कर रहे हैं आप, तो आप कई बार कहते हैं मेरी फॉर्म में काम बहुत है, मेरे ऑफिस में काम बहुत है, मेरे बॉस के पास काम बहुत है, मेरे बॉस के पास पैसा बहुत है, हमारी कंपनी ना ग्रोथ बहुत कर रही है। आपको ना सीधा सीधा रिजल्ट्स पता होते हैं किसी भी चीज के। मैं कह रहा हूं उसकी प्रोसेस क्या थी, उस पर फोकस करिए, हाउ इट इज गोइंग ऑन, वो चल कैसे रहा है, व्हाई इट इज गोइंग ऑन, वो क्यों कर रहा है, व्हाट इज द पर्पस, उसका पर्पस क्या है, वो कैसे चीजों को करता है, वो कैसे बात करता है। आप कई बार कहते हैं कि सर मुझे क्लाइंट डीलिंग आ गई क्योंकि मैंने क्लाइंट से डील किया, बट ऑब्जर्व करो आपका बॉस कैसे क्लाइंट से डील कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, किस तरीके से उसे कन्विंस कर रहा है, उनका बिहेवियर क्या रहता है। मींस डोंट सी द मैजिक शो, सी द लॉजिक शो। मैजिक मत देखिए, रिजल्ट मत देखिए, उन रिजल्ट्स के लॉजिक क्या है, उनको कैसे बेहतरीन बनाया गया है, उन्हें कैसे अच्छा बनाया गया है। मैं एक बार एक एथलीट का इंटरव्यू पढ़ रहा था, लिखा हुआ था, उससे पूछा किसी ने आप इतने सेकंड्स में, इतने मिनट्स में इतनी मीटर की दौड़ लगा देते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल फॉर यू, आप कैसे कर लेते हैं। सो ही रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया कि आपको दिख रहा है कि मैं इतने मिनट्स में इतने मीटर दौड़ रहा हूं, बट मैं पिछले 20 साल से दौड़ रहा हूं। यू शुड फोकस ऑन द प्रोसेस ऑल्सो, आपने प्रोसेस भी देखनी है, सामने वाले ने ऐसी क्या प्रोसेस करी। कहते हैं ना जिंदगी में हम रिजल्ट्स को फॉलो कर रहे होते हैं, हम प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हमें इंपॉर्टेंस नहीं समझ आती उन चीजों की जो हमारे पास ऑलरेडी लाइफ में है। इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्लियर नोन थिंग्स इन योर लाइफ, देन यू शुड फोकस ऑन द लॉजिक रादर देन मैजिक। You should focus on what's, how it is going on, why it is going on, rather than what's going on. आपके यहाँ का क्या काम चल रहा है, इससे ज्यादा मैटर करता है ये काम कैसे आया। जैसे आपके बॉस के पास काम आया, कोई ऑडिट आया, कोई भी काम आया, कोशिश करिए आपके बॉस ने ये काम कैसे लिया। काम करने से ज्यादा काम लाना आना चाहिए आपको। काम जिस दिन लाना आ जाएगा आपको, आप ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंस समझना शुरू हो चुके उन चीजों की। वरना कभी कभी आपने देखा हो 10-10 साल से एक बंदा एक ही जॉब में है, एक ही कंपनी में काम कर रहा है और एक पैटर्न, फिक्स पैटर्न पे काम कर रहा है, ग्रो नहीं हो पा रहा, बस उसी काम को करता है, उसकी सैलरी थोड़ा बहुत बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता। पता है रीजन क्या है, क्योंकि वो हमेशा एक फिक्स पैटर्न पे काम कर रहा है, ही और शी इज नॉट फोकस,
नॉट फोकस्ड ऑन दैट थिंग कि मेरा बॉस कैसे काम लाता है, मेरा बॉस कैसे काम करता है, हमारी कंपनी कैसे ग्रो करती है, हमारी कंपनी की पॉलिसीज जो फ्रेम होती हैं उन्हें कैसे बनाया जाता है. मीन्स डोंट सी द मैजिक शो, सी द लॉजिक शो. इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्लियर नोन थिंग्स, इन दैट केस यू हैव टू मोर एंड मोर एक्सप्लोर योर सेल्फ. आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करना है. एंड एक्सप्लोरेशन मीन्स जस्ट परफॉर्म करना है. आपने परफॉर्म करना है. यू डोंट क्रिएट एनी एक्सक्यूजेस. अगर बॉस ने आपको बोला कि आज तुम्हें ये काम करना है, एंड इफ यू हैव एक्सक्यूज, देन डेफिनेटली यू विल लिमिटेड, यू आर लिमिटेड टू योर वर्क. आप बस एक अपना फिक्स पैटर्न पे काम करते हैं और काम करके चले जाते हैं. यस, एक बच्चे ने लिखा भी कि मेरा डायलॉग कि सर आपने बोला भी था. यस, आप एक फिक्स पैटर्न पे काम करते हैं और फिक्स पैटर्न पे काम करके चले जाते हैं. आप ऑब्जर्व करिए. अब आप देखें, कभी कभी जब कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए बॉस कभी कभी सीनियर कभी कभी कंपनी में 10, 10, 11, 11, 12, 12 बजे तक रुकते हैं. आप आए, आपने 6 बजे बोला कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन सीनियर कई बार 12 बजे तक भी रुक रहा है. अब देखिए ना, वो कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ चला रहा है, और कई बार वो टाइम पास भी कर रहा होता है. तो आपने देखना है इस प्रोसेस से, या टाइम पास प्रोसेस है या वास्तव में लर्निंग प्रोसेस है. डोंट सी द मैजिक शो, सी द लॉजिक शो. रियली यू वॉन्ट टू लर्न द अंडरस्टैंड ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द अर्लियर नोन थिंग्स, इन दैट केस परफॉर्मेंस पर फोकस करिए. अपना टारगेट बनाइए आज के बाद कि मुझे कोई रिवॉर्ड या अवार्ड मिले या ना मिले, बट डेफिनेटली आई विल परफॉर्म वेल. एंड मेरी बात को ध्यान से सुनना, बस मैं ओवर करने जा रहा हूँ अपनी बात को. परफॉर्मेंस इज इक्वल टू विनिंग और लर्निंग. ये सच है कि परफॉर्मेंस कभी भी आपको जिताएगी नहीं. खाली परफॉर्मेंस आप सोचे जिताएगी, अगर जिताती तो सचिन तेंदुलकर हर मैच में ही 100 रन बनाता, शतक ही होते उसके हर मैच में, कभी 0 पे आउट नहीं होता. अक्षय कुमार की कोई मूवी फ्लॉप नहीं होती कभी. परफॉर्मेंस आपको या तो जिताएगी या फिर कुछ सिखाएगी. मेरी बात को ध्यान से समझना. परफॉर्मेंस कभी भी, कई बार लोग गलत समझ लेते हैं परफॉर्म करो सब अच्छा ही होगा. आज के बाद बोलिए परफॉर्म करो, या तो जीतोगे या सीखोगे. राइट, खाली सीखने से जीतना होता या खाली जीतने से सीखना होता, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग पहलू हैं. लोग बोलते हैं ना कि भाई आपने सीखना बंद कर दिया तो जीतना भी बंद कर दिया. ऐसे तो वीरबल बहुत ज्यादा सीखते थे और बहुत ज्यादा नॉलेजेबल थे, बट राजा तो हमेशा अकबर ही बने. हमेशा वीरबल से सलाह लेके वो काम करते थे. अगर नॉलेज की बात करें तो नॉलेज ज्यादा वीरबल को थी, बट राजा अकबर थे. तमन्नाओं की महफिल यहाँ हर कोई सजाता है, बट पूरी उसी की होती है जो तकदीर भी साथ मिलाता है. ऐसे तो सचिन तेंदुलकर भी, अगर सब कुछ कर्म ही करते तो सचिन तेंदुलकर भी हर मैच में फिर 100 रन क्यों नहीं बनाता है. कभी कभी तो वो भी 0 पे आउट हो जाता है, फिर भी सचिन तेंदुलकर बेस्ट खिलाड़ी मास्टर ब्लास्टर कहलाता है. क्योंकि आप वो करिए, परफॉर्म करिए अपना काम. सचिन इज अ गुड प्लेयर इसलिए नहीं कि उन्होंने शतकों के शतक लगाए, इसलिए कि उनसे ज्यादा मैच खेले भी नहीं है काफी लोगों ने. रिकॉर्ड्स के रिकॉर्ड खेलने के भी तो हैं, उनके परफॉर्मेंस के भी तो हैं. 4-4, 5-5 वर्ल्ड कप खेले सचिन तेंदुलकर. इतना वर्ल्ड कप खेलने का मौका सबको थोड़ी ना मिला है लाइफ में. मींस सर परफॉर्मेंस जरूर करना चाहिए, और हमारी परफॉर्मेंस ही हमारा रिवॉर्ड होती है. राइट, काफी बच्चों ने लिखा सर परफॉर्मेंस ही हमारा रिवॉर्ड होती है. यस, जिस दिन आपने ये मान लिया, जैसे मैं अभी एक सेशन करके आउट हो जाऊंगा, मैं मानूंगा कि मेरी परफॉर्मेंस मेरा रिवॉर्ड है. समझ रहे, परफॉर्मेंस विल ऑलवेज गिव यू हैप्पी. विनिंग और लर्निंग, एंड ध्यान रखना, विनिंग और लर्निंग इज इक्वल टू लिविंग गोइंग कंसर्न. जीतना और सीखना ही जीना है. खाली सीखते रहें तो भी खराब, खाली जीतते रहें तो भी खराब. क्योंकि अगर सीखने के बाद जीत नहीं मिलेगी तो प्रॉब्लम आएगी, और जीतते रहे खाली तो मज़ा नहीं आएगा. ऐसे लगेगा लाइफ में सब कुछ खैरात में मिल गया, सीखा तो कुछ था ही नहीं, यूं ही मिल गया, ऊपर वाला देता रहा हमें मिल गया. इसलिए जीतते भी रहें और सीखते भी रहें, और जीतना और सीखना ही जीना है. जीतना और सीखना ही जीना है. मेरी बात समझ आई? जीतना और सीखना जीने का मतलब क्या बना? लिविंग. एंड लिविंग इज इक्वल टू परफॉर्मिंग.
मीन्स आज के बाद कोई पूछे आपसे जीवन का मकसद क्या है, जीवन का मकसद है परफॉर्म करना। यकीन मानिए हम तभी तक जिंदा हैं जब तक परफॉर्म कर रहे हैं। लोग कहते हैं हम खाना खा रहे हैं तो जिंदा हैं, हम सुन रहे हैं तो जिंदा हैं, हम पानी पी रहे हैं तो जिंदा हैं, हम क्लास अटेंड कर रहे हैं तो जिंदा हैं। मैं कहता हूँ हम अगर परफॉर्म कर रहे हैं, आप जितने भी लोग इस यूट्यूब पे लाइव में परफॉर्म कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो जिंदा है इस सेशन के अंदर। बाकी सब लोग सिर्फ आए हैं इस सेशन में। जिंदा तो वही लोग हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। एंड परफॉर्मेंस इज इक्वल टू लिविंग। आई थिंक मेरी बात आपको समझ आई होगी। और अगर आपका फिर कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए। आप में से किसी का कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए, चैट बॉक्स में लिखिए। सुब्रमण्यम आपने लिखा था, कुछ लिखा था और मेरे ख्याल से डिलीट कर दिया आपने। सुब्रमण्यम कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ आस्क मी, प्लीज आस्क मी। यस, कुछ भी पूछना चाहते हैं। ओके नवीन, वी मेट इन फरीदाबाद ब्रांच। थैंक यू नवीन, थैंक यू, थैंक यू। हम लाइव आएंगे, दोबारा लाइव आएंगे नेक्स्ट संडे एंड आफ्टर दैट, और थोड़ा सा लिंक वगैरह शेयर कर देंगे। आज लोग जुड़ नहीं पाए क्योंकि हम स्टेटस वगैरह पे भी नहीं डाल पाए, वो लिंक दूसरा डाल रखा है हमने। और लोग मेरे पास मैसेज भी कर रहे हैं, सर उस पर कुछ आ नहीं रहा। तो अब चलिए जो भी है, हमने बोला ना आपसे हमें अपना काम करना है अच्छे से। यस, कोई और कुछ पूछना चाहता हूँ। किसी का कोई डाउट? ओ, नो नीड टू से सॉरी सुब्रमण्यम, नो नीड टू से सॉरी, राइट? सॉरी का कोई जरूरत नहीं है। यस, किसी का कोई डाउट, कुछ पूछना चाहता हो कोई? क्योंकि रीजन उसका ये है कि बहुत पॉजिटिविटली फील हो रहा है। ओके चलिए, गिव योर फीडबैक। आपने सेशन किया है, कैसा फील हुआ आपको, चलिए बताइए। 1 आवर का सेशन आपने किया। अच्छा, नवीन कह रहे हैं एक परसेप्शन वाली लाइन है आपकी, वो बता दो प्लीज। मैं परसेप्शन पे सेशन लगाऊंगा स्पेशली नवीन, और आपने अटेंड करना है तभी बताऊंगा मैं। जब हम अपना काम कर रहे हैं तो सर कॉन्फिडेंट कैसे रहना है, खुद पर भरोसा करके, बस खुद की वैल्यू करके, खुद से रिस्पेक्ट करके, खुद को प्यार करके, खुद की इज्जत करके। लव योर सेल्फ ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी। जिंदगी में अपने लिए सेल्फिश हो जाइए और अपने आप से मोहब्बत करिए, क्योंकि उनसे मोहब्बत कमाल की होती है, जिनसे मिलना मुकद्दर में ही नहीं होता। तो नीतीश, अगर आपको अपने काम में कॉन्फिडेंस लाना है, अपने किसी भी काम को करते वक्त, तो याद रखिए खुद पर भरोसा जताइए। बस खुद को बोल दीजिए कि नीतीश मैं तेरे साथ हूँ, और जब तक नीतीश के साथ नीतीश है तो ऑटोमेटिकली नीतीश गुड रहेंगे। यस निमांशु सिंगला, आप क्या पूछना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? यस बताइए जल्दी से। किसी का कोई और क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ कहना चाहते हैं आप इस सेशन के बाद? क्योंकि सेशन थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे भाई। यस, जैसे मैंने लास्ट टाइम उसी बैच में भी कहा था, आई विल गिव यू थैंक्स इन अ डिफरेंट वे। आई विल गिव बिफोर आई टेक, आई विल टीच बिफोर आई टेक, एंड सो ऑन। आई विल परफॉर्म एंड इंक्रीज माई एफिशिएंसी। दैट्स ग्रेट, ग्रेट, ओ ग्रेट, ग्रेट। निमांशु, लर्न नहीं होता है चीजें, सीख मतलब याद नहीं कर पाते आप चीजों को। लर्न करने के लिए मैंने बताया ना आपको बहुत अच्छा तरीका, बहुत अच्छा तरीका बताया। आज के बाद किसी भी टॉपिक को ऐसे पढ़ना कि आपने किसी को ट्यूशन पढ़ाना है, आपने कोचिंग देनी है किसी को, लेक्चर डिलीवर करना है, ऑटोमेटिकली यू विल सी मैनी चेंज इन योर सेल्फ। निमांशु, हर्षित, कुछ मांगने से पहले देना सीखो। माय गॉड, मेरी ये वाली वीडियो तो शायद आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से देखी है। हर्षित, थैंक यू, थैंक यू। कोई और कुछ और बोलना चाहता हो, कहना चाहता हो? हाउ टू प्लेस, हाउ टू पीस आर माइंड वाइल डूइंग आर वर्क, आई मीन टू बी फोकस। ओके, फोकस करने के लिए मैंने बताया ना, पहले खुद पर भरोसा करो, पीस ऑटोमेटिकली होगा जब जिंदगी में। मैंने कहा ना, खाली सीखते रहोगे तो पीस नहीं होगा, जीत भी ज़रूरी है, और जब जीत और सीख को दोनों को इक्वल वेटेज दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पीस मिलेगा। खाली जीतने पर फोकस होगे तो कभी सुखी नहीं रह पाओगे,
कभी फोकस नहीं रह पाओगे। नीतीश, अगर आप ऑलवेज प्लान करोगे मुझे कुछ ना कुछ बस प्राप्त करना है लाइफ में, तो प्राप्त करने से पहले एक्सप्लोर करो खो, लेकिन जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो आपको मिल चुका है लाइफ में वो ध्यान रखिए कि उसको सेटिस्फाई होने की कोशिश करिए। आयुषी, कभी कभी बाहर के लोग बहुत कॉन्फिडेंस डिक्रीज करते हैं सर, कभी कभी यस ऐसा होता है, मेरा भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपने कभी देखा है मेरे चेहरे की स्माइल गायब होते हुए? ऐसा करते हैं लोग, बस आप परफॉर्म करते रहिए। मैंने एक ही बात बताया ना कि ध्यान से सुनिए आयुषी, आपके लिए बोल रहा हूँ मैं ये। आपने कहा है बाहर के लोग कभी कभी ऐसा करते हैं, लोगों का काम है कहने का, लोगों का काम है कहने का, कहने दो अपना क्या जाता है, ये वक्त वक्त की बात है, और ये तो फिर वक्त ही सबको बताता है, समझ रहे हैं, ये वक्त वक्त की बात है, तो बोलने दो लोगों को, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। एंड आगे से फ्यूचर में हमेशा परफॉर्मेंस पे फोकस करना है, ध्यान देना, लर्न टू लर्न, सीखो पहले सीखते कैसे, और सीखने का मैंने बहुत बेहतरीन तरीका आपको बोला है कि आप पुरानी चीज़ों की इंपॉर्टेंस समझें, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें, दोनों को एक्सप्लोर करने के लिए आपको मैंने बोला कि चार टूल्स का उपयोग करें, और चार टूल्स का उपयोग करने के लिए मैंने आपको फिर एक टूल बताया, डोंट फोकस ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन, फोकस ऑन हाउ इट इज गोइंग ऑन। रिजल्ट्स पर ध्यान देने की बजाय लोगों से अगर कुछ सीखना चाहते हैं, अगर आप नीरज मित्तल से कुछ सीखना चाहते हैं तो नीरज मित्तल के रिजल्ट्स पर ध्यान देने की बजाय नीरज मित्तल की प्रोसेस पर ध्यान दें। हाँ, रिजल्ट से तय करें कि प्रोसेस देखनी भी है नहीं देखनी किसी की। अगर किसी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं तो उसकी फिर प्रोसेस जरूर देखें, अगर किसी के रिजल्ट्स बहुत खराब हैं तो उसकी भी प्रोसेस जरूर देखें, उससे ये तो सीखेंगे कि ये प्रोसेस हमें फॉलो नहीं करनी चाहिए, इन प्रोसेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। यस, एंड कोई और पॉइंट किसी का? चलिए, मुझे लगता है हम अपने लाइव सेशन को ओवर करें, और फिर भी किसी का कोई डाउट होता है तो मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेरा नंबर आप सब पे होगा, इट्स 98। एक बार मैं भव्या से बोलूँगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर उसमें डाल दें चैट बॉक्स में। अगर आपने किसी को लगता है कि कोई डाउट आता है और आपके पास नंबर नहीं है तो आप मुझे ज़रूर डाउट पे बात कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे चलते चलते हमारा ही क्लास के, राइट, फिर मिलते हैं आपसे। ओके, थैंक यू, दिस इज माई नंबर। हाँ, ये ऑनलाइन आई विल ट्राई की रहेगी, आई विल ट्राई, अदरवाइज मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा भी अभी, और आप उसे भी ज़रूर देखिएगा, और आगे अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। इस बारी हम ही से फॉल्ट हो गया, मैं लोगों को दोष नहीं दूंगा, हमने लिंक कोई दूसरा शेयर कर दिया और वास्तव में हमने क्लास लाइव आना पड़ा किसी दूसरे माध्यम से, तो जिसकी वजह से काफ़ी सारे मैसेजेस हैं हमारे पास कि जिन लोगों को हम जोड़ नहीं पाए अपने साथ, और वो अभी भी क्लिक कर रहे होंगे, उन्हें शो हो रहा होगा कि क्लास कैंसिल हो गई है, राइट। चलिए, आई थिंक हम ओवर करते हैं सेशन को, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड मेरी बेस्ट विशेज हमेशा आपके साथ हैं, अपना हमेशा जीवन में अच्छे से करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।